बताइए ऐसा कौन सा बैंक है जिसने ना तो विजय माल्या को लोन दिया और ना ही नीरव मोदी को? सोचिए सोचिए। A few moments later. Well, हम बात कर रहे हैं HDFC की। इंडिया में जब बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या किसी भी फाइनेंशियल सर्विस की बात होती है तो एक नाम जरूर आता है, HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HDFC इंडिया का एक बिगेस्ट फाइनेंशियल ग्रुप होने के साथ साथ एक ट्रस्टेड ब्रांड भी है। HDFC वॉज फाउंडेड इन 1977 बाय हसमुख पारेख और वहीं HDFC बैंक एस्टेब्लिश किया था दीपक पारेख ने इन 1994। HDFC लिमिटेड इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ HDFC बैंक एज वी ऑल नो। 1995 में HDFC ने लॉन्च किया था अपना IPO एट जस्ट ₹10 पर शेयर एंड वॉज ओवर सब्सक्राइब बाई 55 टाइम्स। इन द लीडरशिप ऑफ मिस्टर आदित्य पुरी, HDFC बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया। HDFC बैंक की सक्सेस के पीछे बहुत से रीजंस हैं। जहां सारे बैंक फोकस कर रहे थे कॉर्पोरेट लोन्स पे, वहीं HDFC ने फोकस किया रिटेल लोन पे, जिसकी वजह से आज इसका NPA बहुत कम है। स्टॉक मार्केट में पहले एक ट्रांजैक्शन को सेटल करने में 10 डेज लगते थे, वहीं HDFC बैंक सेम ट्रांजैक्शन को सेटल करने लगा विद इन 3 डेज यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग। थ्रू नेट बैंकिंग HDFC बैंक ने ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया था कि मेजर कॉर्पोरेट्स एंड ब्रोकर्स their bank accounts with HDFC, which resulted in high deposits. Merger की news तो आपने सुनी होगी। Soon HDFC and HDFC bank are going to merge and become a single entity. After the approval of this merger, shareholders of HDFC Limited will get 42 shares of HDFC bank for every 25 shares. By the way, do you have HDFC in your portfolio?